हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है और वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन के नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आपके फ़ोन के जो नेटवर्क हैं सही तरीके से आपके फ़ोन में नहीं आ रहे हैं तो नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली सबसे पहले तो आपको बैक करना है। बैक करते जो फ़ोन के आइकन से आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन ओपन आएंगे। ओपन होते ही आपको फिर सेटिंग्स पे जाना होगा और क्लिक करते जो आपके फ़ोन की सेटिंग्स आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको फिर इंटरनेट नेटवर्क सेटिंग पे जाना है। तो नेटवर्क आपके फ़ोन में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ से भी आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एयरप्लेन मोड के जरिए। और एयरप्लेन मोड है तो आपके फ़ोन के नेटवर्क शो नहीं करेंगे तो आपको इसको ऑफ़ कर देना होगा, जिससे आपके नेटवर्क आपके फ़ोन में थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। जब फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती फिर आपको मोबाइल नेटवर्क सेटिंग पर जाना है, सिम कार्ड सेटिंग पर जाना है, जहाँ से आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप सिम कार्ड नेटवर्क सेटिंग को डिसेबल कर सकते हैं, फिर इसको इनेबल भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी सॉल्व नहीं होती है फिर आपको नेटवर्क टाइप को यहाँ सेट कर लेना है, जो भी नेटवर्क टाइप होगा तो सेलेक्ट ऑटोमेटिकली नेटवर्क पे जाना है, जिससे ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में जो नेटवर्क होगा मोबाइल का सेलेक्ट हो जाता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी नहीं आया तो फिर एक्सेस पॉइंट सेटिंग पे जाकर जो भी सेटिंग्स होगी उसको रीसेट कर देना है, और रीसेट करके भी आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको सिस्टम सेटिंग पर जाकर रीसेट ऑप्शंस को ओपन करना है। रीसेट ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। रीसेट एंड वाईफाई सेटिंग्स पे जाकर जो भी और नेटवर्क सेटिंग्स होती है उसको हम यहाँ से रीसेट कर देंगे। टैप करते ही देखते हैं कि जो आपकी फ़ोन की और नेटवर्क सेटिंग्स है रीसेट हो जाएगी थोड़ी देर में, और रीसेट होती है जो भी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी, और जो आपके फ़ोन के नेटवर्क हैं सही तरीके से आपके फ़ोन की स्क्रीन पर शो करेंगे। तो इस तरीके से आप नेटवर्क की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन के सेटिंग्स का यूज़ करके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।